हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 8 to 10 ऑफ एक्सरसाइज 7F। क्वेश्चन नंबर 8, 2/3 ऑफ अ टैंक कैन बी फिल्ड इन 17 होल 1/3 मिनट्स। हाउ मेनी मिनट्स विल बी रिक्वायर्ड टू फिल द होल टैंक। इट मींस एक टैंक है, उस टैंक का 2/3 मींस टैंक का 2/3 फ्रैक्शन जो है वो 17 होल 1/3 मिनट्स में फिल होता है। सो यू हैव टू टेल कि हाउ मेनी मिनट्स विल बी रिक्वायर्ड, कितने मिनट्स लगेंगे होल टैंक को फिल करने में। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे जो टैंक कितना फिल होता है 17 होल 1/3 मिनट्स में, वो दिया है 2/3 मीन्स टैंक का 2/3 फ्रैक्शन 17 होल 1/3 मिनट्स में फिल हो जाता है। और मैं फाइंड आउट करना कितने मिनट्स लगेंगे होल टैंक फिल होने में। होल टैंक मीन्स पूरा वन टैंक, ये पूरा का क्या था, ये एक टैंक का 2/3 फ्रैक्शन फिल हो रहा दिया है। और को फाइंड आउट करना कि होल टैंक मीन पूरा वन टैंक कितनी मिनट्स में फिल होगा। सो वी विल राइट डाउन टाइम टेकन टू फिल 2/3, 2/3 को कैसे लिख सकते हैं 2/3, ये फ्रैक्शन दिया है, ऑफ टैंक इज इक्वल टू 17 होल 1/3 मिनट्स। सो टाइम टेकन टू फिल द होल टैंक, तो होल टैंक को फिल करने में कितना टाइम लगेगा, होल मींस वन टैंक। अब हमें यहाँ पे किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वन टैंक की। एंड वी ऑलरेडी नो कि जब हमें वन की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है वी ऑलवेज डिवाइड, हम लोग हमेशा क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। यहाँ पे हमें टैंक के 2/3 फ्रैक्शन का दिया होता टाइमिंग की 17 होल 1/3 मिनट लग रहा है। एंड आपको फाइंड आउट करना है कि होल टैंक, होल मीन्स वन टैंक की आपको फाइंड आउट करना है कितना मिनट लगेगा। सो वन की वैल्यू फाइंड आउट करिए, हम लोग डिवाइड करेंगे। ठीक है, इट मीन्स हम लोग डिवाइड करेंगे 2/3 फ्रैक्शन टैंक फिल होने में इतना टाइम लग रहा था उसको 17 होल 1/3 मिनट्स को, किससे डिवाइड करेंगे कि कितना फिल हो रहा था 2/3 हो रहा था, 2/3 से डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट वी विल कन्वर्ट इट इनटू इंप्रॉपर फ्रैक्शन, 17 3 51 + 1 52, ये जाएगा 52/3 डिवाइडेड बाय 2/3। इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट विल बी डू, विल राइट 52/3 एज इट इज, डिवीजन साइन विल बी रिप्लेस बाय मल्टीप्लिकेशन साइन, एंड वी विल डू रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन 2/3, 3 ऊपर आएगा 2 नीचे आ जाएगा। नाउ वी कैन इजिली रिड्यूस, 2 1 2, 2 2 4, 1 बचेगा, नेक्स्ट 2 8 12 हुआ, 6 10 जाएगा, 2 6 12, तो 26 आ गया। और 3 and 3 को रिड्यूस कर सकते हैं, 3 1 3, 3 1 3, न्यूमरेटर में क्या बचा है 26 into 1, 26 को वन से मल्टीप्लाई करेंगे 26 ही आएगा। डिनोमिनेटर में 1 into 1, 1 होता है, 1 नाबिल के सब फर्क नहीं पड़ना है। आंसर कितना है 26, इट मीन्स 26 मिनट्स लगेंगे होल टैंक को फिल करने में। सो वी कैन राइट, सो 26 मिनट्स विल बी रिक्वायर्ड टू फिल द होल टैंक। ओके, सो इन दिस क्वेश्चन वी विल डिवाइड, क्योंकि हमें होल टैंक कितने टाइम में फिल होगा वो फाइंड आउट करना है। होल मीन्स होता है वन टैंक, और वन की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है तो हम लोग डिवाइड करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, मिसेस सिंह गॉट अ प्लांट एज अ बर्थडे गिफ्ट, हर प्लांट ग्रोस एन एवरेज ऑफ 1 होल 1/5 सेंटीमीटर एवरी मंथ, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द प्लांट टू ग्रो 9 होल 3/5 सेंटीमीटर। इट मीन्स मिसेस सिंह को एज अ बर्थडे गिफ्ट एक प्लांट मिला, और जो उनका प्लांट है वो ग्रो करता है, बढ़ता है 1 होल 1/5 सेंटीमीटर एवरी मंथ। ऑन एन एवरेज जो प्लांट है वो 1 होल 1/5 सेंटीमीटर हर मंथ में ग्रो करता है, इतना बढ़ता है। सो यू हैव टू फाइंड आउट हाउ लॉन्ग विल इट टेक, कितना टाइम लगेगा प्लांट को 9 होल 3/5 सेंटीमीटर ग्रो करने में। ठीक है, इट मींस 9 होल 3/5 सेंटीमीटर ग्रो करने में प्लांट को कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम प्लांट लेगा 9 होल 3/5 सेंटीमीटर बढ़ने के लिए। सो व्हाट कैन बी डू इन दिस क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल लेट अस अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन बाई टेकिंग एन एग्जाम्पल। सपोज यू हैव अ प्लांट, आपका एक प्लांट है और वो प्लांट हर मंथ में आपका 4 सेंटीमीटर ग्रो करता है, मीन्स वन मंथ में 4 सेंटीमीटर ग्रो करता है, हर मंथ में कितना करता है 4 सेंटीमीटर ग्रो करता है। सो आपसे पूछा जाए कि उस प्लांट को 20 सेंटीमीटर ग्रो करने में कितना टाइम लगेगा, हम लोग क्या करेंगे, वन मंथ में 4 सेंटीमीटर ग्रो होता है तो 20 सेंटीमीटर ग्रो में कितना टाइम लगेगा, हम इसको 4 से डिवाइड कर देंगे और आपका आंसर कितना आएगा, आपका आंसर आएगा 5। इट मीन्स 5 मंथ्स लगेंगे इस प्लांट को 20 सेंटीमीटर ग्रो होने में। सो हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, डिवाइड किया,
सिमिलरली इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो वी विल डिवाइड. इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे. सो वी विल राइट डाउन लेंथ ऑफ प्लांट ग्रोस एवरी मंथ. एवरी मंथ कितनी प्लांट की लेंथ ग्रो होती है, वन होल वन अपॉन फाइव सेंटीमीटर हर मंथ में प्लांट ग्रो करता है. सो टाइम इट विल टेक टू ग्रो नाइन होल थ्री अपॉन फाइव सेंटीमीटर. तो कितना टाइम लगेगा प्लांट को नाइन होल थ्री अपॉन फाइव सेंटीमीटर तक ग्रो करने में, हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे. ठीक है, नाइन होल थ्री अपॉन फाइव सेंटीमीटर, क्वेश्चन पूछ रहा है कि नाइन होल थ्री अपॉन फाइव सेंटीमीटर ग्रो करने में कितना टाइम लगेगा. सो जो लेंथ पूछी जा रही है कि इतनी लेंथ होने में कितना टाइम लगेगा, उसको डिवाइड करेंगे नाइन होल थ्री अपॉन फाइव सेंटीमीटर को, और किससे करेंगे, हर मंथ में जितना प्लांट ग्रो कर रहा था उसकी लेंथ से, और वो थी वन होल वन अपॉन फाइव सेंटीमीटर. नाउ वी विल कन्वर्ट इट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. नाइन फाइव जो 45 प्लस 3 48, तो जाएगा 48 अपॉन 5, देन डिवाइडेड बाय 5 वन का 5 प्लस 1 6 6 अपॉन 5. इन द नेक्स्ट स्टेप वी विल राइट डाउन 48 अपॉन 5 एज इट इज. डिवीजन साइन विल बी रिप्लेस्ड बाय मल्टीप्लिकेशन साइन एंड वी विल डू रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन 6 अपॉन 5. ये क्या हो जाएगा, 5 ऊपर जाएगा 6 नीचे आ जाएगा. देन वो रिड्यूस कर सकते हैं 6 एंड 48 को, 6 वन जा 6 6 एट जा 48 और 5 5 रिड्यूस हो जाएंगे, 5 वन जा 5 वन जा. न्यूमरेटर में क्या बचेगा, 8 इंटू 1, 8 वन जा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा. डिनोमिनेटर में बचेगा 1 इंटू 1, 1 वन जा 1 होता है, और डिनोमिनेटर में नाबिल के सिफर नहीं पढ़ना है. सो कितना आंसर आ जाएगा आपका, 8 आ जाएगा. इट मीन्स प्लांट को 8 मंथ्स लगेंगे 9 होल 3 अपॉन 5 सेंटीमीटर ग्रो करने में, ग्रो होने में. सो वी राइट डाउन, सो इट विल टेक 8 मंथ्स फॉर द प्लांट टू ग्रो 9 होल 3 अपॉन 5 सेंटीमीटर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. इन एन इंग्लिश क्लास द स्टूडेंट्स राइट सॉरी द स्टूडेंट्स वर डिवाइडेड इन टीम्स टू राइट अ लॉन्ग स्टोरी. Each team was to write 5 whole 1 upon 2 pages of that combined story. When all the teams put their papers together, there were 33 pages. How many teams worked on this story? What value is developed in students by such an exercise? It means, ek English class mein students ko teams mein divide kiya gaya ek long story likhne ke liye. एंड ईच टीम वॉज टू राइट 5 होल 1 अपॉन 2 पेजेस, और हर एक टीम को 5 होल 1 अपॉन 2 पेजेस लिखने थे उस कंबाइंड स्टोरी के. एंड जब सभी टीम्स ने स्टोरी जब बुल लिख दी गई, ठीक है, जो स्टोरी राइट करनी थी, स्टोरी राइट करने के बाद जब सभी टीम्स ने अपने पेपर सबमिट किए, तो टोटल नंबर ऑफ पेपर्स जो थे वो कितने थे, 33 पेजेस थे कलेक्ट हुए. सबको फाइंड आउट करना कि कितनी टीम्स ने वर्क किया इस स्टोरी पे, ठीक, कितनी टीम्स ने स्टोरी को लिखा है. एंड यू हैव टू आल्सो टेल, यू हैव टू टेल कि कौन सी वैल्यू स्टूडेंट्स में डेवलप हो रही है, की गई इस एक्सरसाइज से. ओके, सो व्हाट विल वी डू, फर्स्ट वी राइट डाउन नंबर ऑफ पेजेस ईच टीम वॉज टू राइट, टोटल नंबर ऑफ कितने पेजेस हर एक टीम को लिखने थे, 5 होल 1 अपॉन 2. एंड टोटल नंबर ऑफ पेजेस जब कलेक्ट किए गए ऑल द पेपर, सभी टीम्स ने कलेक्ट किए कि सभी टीम्स के पेपर कलेक्ट किए गए, तो टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने थे, 33 कलेक्ट हुए. तो टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने, 33 है. अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, लेट अस टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड इट. सपोज आपको आपको कुछ टीम आपको स्टूडेंट्स क्लास के जिनको टीम्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ठीक है, और जो टोटल पेजेस लिखने हैं, जो हर एक टीम को जो पेज लिखने हैं वो लिखने हैं 4 पेज, ठीक है, और जो टोटल पेजेस जब कलेक्ट किए गए तो कितने हैं, 24 हैं. सो कितनी टीम्स ने जो है इस स्टोरी को लिखा या पेपर को राइट किया, सो जो टोटल नंबर ऑफ पेजेस है उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ पेजेस जो हर एक टीम को लिखने हैं, हम डिवाइड कर देंगे. सो ये जाएगा 4 6 24, सो आपका आंसर आएगा 6. इट मीन्स इस क्वेश्चन पे क्या करना है, हम इस क्वेश्चन में डिवाइड कर देंगे. ओके, इन दिस क्वेश्चन वी विल डिवाइड. नाउ लुक एट, सो टोटल नंबर ऑफ जो नंबर ऑफ पेजेस हर एक टीम लिखने हैं वो है 5 होल 1 अपॉन 2, और टोटल नंबर ऑफ पेजेस है 33. सो नंबर ऑफ टीम्स वर्क, तो कितनी टीम्स ने मिलकर इस पे वर्क किया, क्या डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ पेजेस, उसको डिवाइड करेंगे जो नंबर एक टीम जो नंबर ऑफ पेजेस वन टीम लिख रही है वो है 5 होल 1 अपॉन 2.
Now we write down 33 divided by, इसको convert करेंगे improper में, 5 to the 10 plus 1, 11, 11 upon 2. In the next step we write down 33 as it is, then multiplication sign will be replaced by, sorry, division sign will be replaced by multiplication sign, और 11 upon 2 का reciprocal करेंगे, 2 ऊपर आएगा, 11 नीचे आ जाएगा, 2 upon 11 हो जाएगा. Then लोग 11 and 33 को easily reduce कर देंगे, 11 plus 11, 11 is 33. अब numerator कितना आएगा? 3 into 2. 3 2 का कितना होता है? 6 होता है. So आपका answer क्या आएगा? 6 आएगा. It means total 6 teams ने इस story को लिखने पे work किया है. So story को total कितनी से लिखा है? 6 teams ने लिखा है. So it means total 6 teams ने work किया story पे. So we will write down. So 6 teams worked on this story. Total 6 teams ने story पे work किया. आपको value find out करनी है. कौन सी value show कर रहा है? कि टीम वर्क, लोग क्या कर रहे हैं, सभी टीम्स मिलके काम कर रही हैं स्टोरी को लिखने के लिए. सो ये टीम वर्क जो है शो कर रहा है. सो द वैल्यू विल बी टीम वर्क. ओके, सो आवर चैप्टर नंबर 7 मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन इज कंप्लीटेड टुडे. इन केस एनीवन इज हैविंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम देन प्लीज डू नॉट हेजिटेट टू मेंशन योर प्रॉब्लम इन द चैट बॉक्स. ओके, थैंक यू.